हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल बटन, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा चैनल एंड कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए हम बात करते हैं टॉप 5 रीजंस कि आपको अभी पीसी बिल्ड क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहला रीजन पे स्टार्ट करते हैं जो कि मैंने डाला है, न्यू सीपीयू लॉन्चेस। तो आपको तो पता ही है कि इंटेल और एएमडी टू मेजर मैन्युफैक्चरर है सीपीयूज की, और एएमडी के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी वो काफ़ी फ्रीक्वेंट लॉन्चेस कर रहे हैं, और ये इवन दे आर कम्पीटिंग विथ देमसेल्व। सो वो इतनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। और दोनों कंपनीज इंटेल और एएमडी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। मैंने रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट भी नीचे में रख दिया है। तो दोनों का ही ये ट्रैक है कि सितंबर में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। प्रोडक्ट्स लाइक 3900X, 3700X, i5, i7, i9, ये सब जो अभी के टॉप परफॉर्मिंग प्रोसेसर्स हैं, इनके ऊपर नए लॉन्च की वजह से इनका प्राइस में ड्रॉप होने के चांसेस हैं। तो अगर आप अभी सीपीयू सेलेक्ट करते हैं और पीसी बिल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपको आगे जाके सेम प्राइस में कुछ और अच्छा मिल पाता। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रीजन पे। नेक्स्ट रीजन डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि प्लीज वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प कर सकता है। सेकंड रीजन मैंने रखा है वो है जीपीयू लॉन्चेस। तो इस साल भी न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं एनवीडिया की तरफ से। आपको तो पता ही है कि लास्ट एनवीडिया का प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह कब हुआ था, वो 2 साल पहले हुआ था। और अभी का जो एनवीडिया का बेस्ट ग्राफिक कार्ड है वो है 2080 Ti, बट देर आर लॉट्स ऑफ लीक्ड इन्फॉर्मेशन विच इज गोइंग अराउंड ऑन डिफरेंट ब्लॉग्स एंड अदर सोर्सेस। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि RTX 3080 Ti की इन्फॉर्मेशन लीक्ड है। इवन जो इमेज मैंने साइड में रखा है वो किसी लीक्ड सोर्सेस से लिया हुआ है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, इट माइट नॉट बी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, बट ये न्यूज़ में है कि न्यू प्रोडक्ट आ रही है। और इसके साथ एएमडी ने भी एक प्रोडक्ट अनाउंस करके रखा है, बिग नावी। और उन लोगों ने ये मेंशन किया है कि बिग नावी जो है उसका परफॉर्मेंस 40-50% फास्टर है 2080 Ti से, जो अभी की मार्केट की बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अभी के कंपटीशन के हिसाब से ये काफ़ी अमेजिंग होगा देखने में कि अभी नए वाले जो कार्ड्स आने वाले हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। और अगर 3080 Ti लाइंड अप है इस साल के लिए, तो मिड रेंज कार्ड्स लाइक 3070, 3060 एंड उनका फिर Ti एंड सुपर एडिशन विल ऑल्सो कम आफ्टर द मेन लॉन्च ऑफ 3080 Ti। थर्ड रीजन जो मैंने रखा है वो है पावर सप्लाई का शॉर्टेज। तो ये थोड़ा टाइम पहले से चल रहा है, जब COVID-19 का सिचुएशन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम से ही ये देखने को मार्केट में मिला था कि प्राइसेस फॉर डिसेंट पावर सप्लाई लाइक 600-700 वाट्स जो कि लोग लेना चाहते हैं एक डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड के लिए, और उनका प्राइसेस लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट या अदर सोर्सेस जो हार्डवेयर सेल करते हैं उनका प्राइसेस काफ़ी हाई है। और इवन मैंने एक लास्ट में स्निपेट रखा है, उसमें भी लिखा है ये कि ग्लोबल पावर सप्लाई कंपोनेंट्स का शॉर्टेज चल रहा है। तो अगर आप पीसी अभी बिल्ड कर रहे हो तो यू हैव टू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर दीज प्रोडक्ट्स लाइक 600 वाट या 700 वाट वाले। तो जो प्रोडक्ट्स आपको 6000 में मिल सकता था, उसके लिए हो सकता है आपको 8000 या 9000 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो आपको पावर सप्लाई जब आप खरीद रहे हो तो उसमें आपको अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी हार्डवेयर अपग्रेड करते हो, मेनली सीपीयू या जीपीयू, तो आपका अगर जो करंट पावर सप्लाई है वो अगर लोड नहीं ले सकता है अगले ग्राफिक्स कार्ड का, तो ग्राफिक्स कार्ड के साथ हो सकता है आपको पावर सप्लाई भी अपग्रेड करना पड़े। फोर्थ रीजन जो मैंने रखा है वो है मदरबोर्ड्स। तो आपको तो पता ही है कि अभी एक नया मदरबोर्ड लॉन्च हुआ है B550।
तो लोग इसके लिए खुश भी हैं क्योंकि ये एक मिड रेंज और हाई रेंज के बीच में ये प्रोडक्ट आता है और इसकी प्राइसेस भी कंपनीज ने डिसाइड की है जो इसके मिड में आता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी कोविड सिचुएशन की वजह से अभी सप्लाई चेन उतना सही नहीं हुआ है, तो अलग अलग कंपनीज की हार्डवेयर अभी अच्छे से रीच नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से प्राइसेस में अप टू 200% स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ और भी प्रॉब्लम ये है कि नए मदरबोर्ड्स के साथ बायोस जो कंपनीज देती हैं अपने वेबसाइट पे वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं। कंपनी चाहे कितना भी कह ले कि उनका बायोस स्टेबल है, बट जब बहुत सारे लोग एक साथ अलग अलग हार्डवेयर कॉम्बिनेशन यूज करना स्टार्ट करते हैं सेम मदरबोर्ड पे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करता है। कभी सीमॉस एरर आएगा या कभी पुराने हार्डवेयर या हार्ड डिस्क लाइक हार्ड डिस्क वेबकैम या जॉयस्टिक या कोई भी अदर यूएसबी डिवाइस वो डिटेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उतना फुल प्रूफ टेस्ट नहीं होता है। तो वो आपको आपको पता ही है कि कंपनीज बायोस के वर्जन्स रिलीज करते रहती है टाइम टू टाइम और लोग उसको अपडेट करते हैं तो ताकि उनका जो अदर डिवाइसेस हैं उनके साथ सपोर्ट बना रहे। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है नए मदरबोर्ड्स के साथ। तो इट इज बेटर टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 months फॉर अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। लास्ट वन जो हम बात करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल सिचुएशन। तो ये तो आपको पता ही है कि ग्लोबली पैंडेमिक चल रहा है और COVID-19 का सिचुएशन काफी बुरा है, हर कंट्रीज में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका लाइवलीहुड या अर्निंग आपके सिस्टम या कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करता है तो इट इज नॉट अ गुड टाइम टू बिल्ड अ पीसी, बिकॉज आप अच्छी खासी अमाउंट इस पे स्पेंड करोगे जो कि आप सेव कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो कहीं और जहाँ पे आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। फाइनल टिप की बात करें तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने जैसा मेंशन किया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू और जीपीयू का लॉन्च होने वाला है और जब लॉन्च होगा तो डेफिनेटली प्राइसेस कम होंगे अभी वाले हार्डवेयर्स के। तो या तो आप उसमें उस टाइम ये एडवांटेज ले सकते हैं कि ये सेम प्रोडक्ट्स जो अभी आप खरीदोगे उसको थोड़ा और कम प्राइस में खरीद लें, या फिर हो सकता है कि अभी जो प्राइस पे करना चाहते हो आप उस प्राइस में और बेटर वर्जन आप खरीद सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा दुख तभी होता है जब आपने कोई एक हार्डवेयर खरीदा और उसके 1-2 हफ्ते में कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो उससे ज्यादा बेटर है और सेम प्राइस पे है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए। तो ये थे मेरे ओपिनियन ऑन top 5 reasons why you should not build a PC right now. If you like the video, please give us a thumbs up and subscribe to the channel. It really helps me a lot and keeps me motivated for doing more future videos. Also, make sure to leave a comment if you have any feedback or suggestion on the video. And let me know if you want me to make a video on any other content.